दोस्तों, अगर मुझे स्पेस में प्रेजेंट हजारों लाइट ईयर दूर किसी प्लेनेट पर कम से कम समय में पहुंचना है तो ऐसा करने के लिए मुझे लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा। बट अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो इसका और एक तरीका है और वो है दी वार्प ड्राइव। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है स्पेस के एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। ऐसा सिनेरियो क्रिएट करने के लिए हम अपने स्पेसक्राफ्ट के आगे के स्पेस को एक ह्यूज अमाउंट की मास की मदद से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और स्पेसक्राफ्ट के पीछे के स्पेस को नेगेटिव मास की मदद से एक्सपांड कर देते हैं। आइए समझते हैं इसे एक स्लिंगी की हेल्प से। अगर मैं स्लिंगी के पिछले पार्ट को एक्सपांड कर दूं और अगले पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि अगले पार्ट के दोनों पॉइंट का डिस्टेंस काफी कम हो गया है। और इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम स्पेस में काफी बड़े बड़े डिस्टेंसेस कम समय में ट्रैवल कर सकते हैं। अमेरिका के एक साइंटिस्ट डॉक्टर हेरोल्ड व्हाइट ने ऐसी एक घटना को अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान होते हुए देखा, जिसे उन्होंने नाम दिया दी वार्प बबल। सो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।